स्टूडेंट, हम आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक करने जा रहे हैं बीटा डीके का, जिससे इसे बहुत ज़्यादा लेने देना है। बीटा डीके एक्सेल वेक्टर और वेक्टर इंटरेक्शन होता है, ठीक है ना। अब एक्सेल वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं, ये सब हम जानते हैं, हमने अपनी छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। मगर जस्ट मैं आगे बढ़ने से पहले इसको एकदम रिकलेक्ट करना चाहता हूँ कि ये क्वांटिटी होती क्या। हम जानते हैं कि नेचर में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको इनिशियली तीन पार्ट में ब्रेकअप करा गया, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। बाद में पता पड़ा कि जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी हैं उनको और आगे सब पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। स्केलर क्या होता है कि पेरिटी में साइन चेंज करती है, नहीं करती है, जबकि वेक्टर जो क्वांटिटी होती है वो साइन चेंज करती है। मगर फ्यूचर के अंदर बाद में ये पता पड़ा कि बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं जो रिफ्लेक्शन में या पेरिटी ऑपरेशन में अपना साइन चेंज करती हैं, तो उसके लिए नई क्वांटिटी बनाई गई जिसको कहा गया सूडो स्केलर। इसी तरीके से जो वेक्टर क्वांटिटी थी, कुछ ऐसी वेक्टर क्वांटिटी भी मिली जो कि साइन चेंज नहीं करती हैं रिफ्लेक्शन में, मतलब पेरिटी ऑपरेशन लगाने पे, तो उनको कहा गया एक्सेल वेक्टर। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम पांच पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। वेक्टर, पहले मैं स्टार्टिंग से करता हूँ, स्केलर, वेक्टर, फिर हम आएंगे सूडो स्केलर, फिर एक्सेल वेक्टर और टेंसर क्वांटिटी। ये पांच तरह के अपने पास फिजिकल क्वांटिटीज हो गई हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा बीटा डीके का इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन है वो एक्चुअल में इन पांचों तरह के जो वेव फंक्शन होंगे पार्टिकल का बनाएंगे, उनसे मिलने वाला किस्म के बराबर होगा, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले इन पांचों जो अपने पास जो मैंने इंटरेक्शन बताए इनके इनका रिलेटिव स्टिक लिमिट के अंदर, रिलेटिव स्टिक में हम इसलिए काम करेंगे क्योंकि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हायर है ना, तो इसलिए हम रिलेटिव स्टिक लेंगे। फिर हम नॉन रिलेटिव स्टिक लिमिट को भी कंसिडर करेंगे और देखेंगे कि रिलेटिव स्टिक लिमिट और नॉन रिलेटिव स्टिक में कैसे कन्वर्ज होता है, ठीक है ना। तो हम सिंपल सा जानते हैं कि जो पांच हमारे जो इंटरेक्शन मैंने बताया उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंटेटिव वेव फंक्शन के रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से होते हैं। ये पांच हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन रिप्रेजेंटेशन है पांचों इंटरेक्शन के। पहला है शाई स्टार, शाई स्टार की जगह शाई बार लिख रहे हैं क्योंकि हम रिलेटिव स्टिक लिमिट में शाई बार शाई, फिर शाई बार आर म्यू, और शाई जगह ये वेक्टर का है, फिर शाई बार आर एस, एस हम सूडो स्केलर के लिए काम में ले रहे हैं और शाई आ जाएगा, ये सूडो स्केलर के लिए आ गया, ठीक है ना। और शाई बार आर म्यू आर लेमडा शाई, ये टेंसर का है, और शाई बार आर म्यू आर एस जो शाई है ये किसका है, एक्सेल वेक्टर का है। तो ध्यान रखना है एक्सेल वेक्टर साइन चेंज नहीं करेगा, सूडो स्केलर साइन चेंज करेगा, ठीक है ना। ये साइन कहाँ चेंज करेगा, रिफ्लेक्शन में, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। अब इन वेव फंक्शन की हेल्प से हम हैमिल्टोनियन बना सकते हैं। हैमिल्टोनियन ऐसा बनाएंगे जो कि रियल हो, ठीक है ना, क्योंकि रियल क्वांटिटी ही मेजरेबल होती है। और बेसिकली हम जब मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो हैमिल्टन मैट्रिक्स जो होती है
उसका यही होता है, उसके डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सारे रियल होते हैं। तो मेजर्ड क्वांटिटी क्या होगी? रियल क्वांटिटी ही होती है। तो जो पांच इंटरेक्शन हम बनाते हैं उसमें हम ये बेसिकली इक्वेशन को मान के चलते हैं कि हम जो काम करेंगे वो बेसिकली इस रिएक्शन के लिए काम करेंगे, एन गोज टू पी प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यू बार, ठीक है ना, हम इसके लिए काम करेंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे न्यू बार की जगह बाद में बार बार ना करने के लिए, क्योंकि बार कन्फ्यूजन करेगा, तो मैं इसको बार एक बार हटा दूंगा। ये मान के चलना है कि यहाँ पे न्यू का मतलब एंटी न्यूट्रिनो नहीं है, ठीक है ना। हम जानते हैं क्रिएशन ऑफ ए न्यूट्रिनो इज इक्वल टू एनिहिलेशन ऑफ एन एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है ना। तो ये उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम काम में करेंगे, ठीक है। तो जो पांच इन वेव फंक्शन की हेल्प से हम पांच हैमिल्टोनियन बना रहे हैं, जिसका कि नेट वैल्यू क्या स्केलर है, तो वो हम इस तरीके से बनाते हैं। तो ये जो पांच इंटरेक्शन बेसिकली अपन ने जो इनके हैमिल्टोनियन के कंपोनेंट बनाए वो सारे के सारे रियल हैं, ठीक है ना। सारी की सारी वैल्यू रहती है, ठीक है ना। और नाम भी हमने अकॉर्डिंगली सारे दिए हैं कि तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा शाही टोटल हैमिल्टोनियन है वो इन सब का सम है, ठीक है ना। वो किसके बराबर हो जाएगा? मैं इसको सिंपल सा एक कह देता हूँ कि इनके कांस्टेंट लगा देता हूँ कुछ, ठीक है ना, स्केलर और इंटीग्रेशन वन कर देता हूँ, और स्केलर के बाद में वेक्टर और इंटीग्रेशन कर देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ आर म्यू, ठीक है ना, प्लस स्केलर सूडो स्केलर है इसको पी लिख देता हूँ, ठीक है ना, और इंटीग्रेशन आ जाएगा, और अपने पास सूडो स्केलर का जो कंपोनेंट था उसको लिख देंगे प्लस सी टी, ठीक है ना, टेंसर का सी टी के लिख रहे हैं, और सी टी की जो वैल्यू है इसको हम काम में ले लेंगे आर म्यू आर लेमडा, और प्लस सी अपने पास जो लास्ट टर्म बच गई
वो एक्चुअल वेक्टर की जाएगी, तो एक्चुअल वेक्टर से मैं सी ए ले लेता हूँ, ठीक है ना, और इसकी आ जाएगी लास्ट टर्म बन जाएगी आर म्यू आर एफ। ये पांच जो टर्म है वो हमारे पास सारी की सारी अपने पास आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर कुछ दे देता हूँ, ठीक है ना। तो हमारी जो पहली इक्वेशन थी, मैं जो उसको काम में लेते एक नंबर, और जो सेकंड नंबर इक्वेशन है इसको मैं सेकंड नंबर कह देता हूँ, और ये मेरे पास थर्ड नंबर इक्वेशन काम में आ जाएगी। तो ये हमारा टोटल हैमिल्टोनियन है जो हमें काम में आएगा, टोटल कंट्रीब्यूट करेगा। अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि जब साइंटिस्टों ने इस पे काम करना शुरू करा तो ये पाया गया कि कंट्रीब्यूशन फ्रॉम स्यूडो पार्ट इज फाउंड टू बी नेग्लिजिबल, वेरी स्मॉल। तो स्यूडो पार्ट कौन सा है अपने पास? ये वाला पार्ट स्यूडो पार्ट है, इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो गया? नेग्लिजिबल हो गया। तो जब नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन है तो इसमें इसको ना करके हम सीपी को जीरो लेते हैं, तो सीपी का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है तो इसको हम जीरो कर देते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन जो तीन है, अब पांच में से हमारे पास चार टर्म में कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना। तो हमारे पास एच बीटा जो अब मिल रह गया वो सी एस इंटीग्रेशन प्लस सी वी इंटीग्रेशन प्लस सी टी प्लस सी ए, ये इसका सम हो गया, ठीक है ना। ये चार नंबर कह देते हैं, इसको कह देते हैं पांच नंबर, ठीक है ना। तो ये चार टर्म में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ही नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट की हम नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट में जाएंगे, ठीक है ना, तो जैसे ही हम नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट में आते हैं तो ये देखा गया कि जो टेंसर और एक्सियल वेक्टर हैं वो हमारे जो बीटा डीके का जीटी इंटरेक्शन वाला जो पोर्शन होता है, पोर्शन उसमें कन्वर्ट हो जाती है, दोनों एक साथ कन्वर्ट। तो अपने पास जो टेंसर और एक्सियल वेक्टर हैं ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाएंगी हमारा जीटी इंटरेक्शन में, जबकि स्केलर और जो वेक्टर हैं वो हमारा फर्मी पोर्शन में क्या होते हैं? फर्मी इंटरेक्शन में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो फर्मी इंटरेक्शन क्या हो गया? या तो स्केलर होगा या वेक्टर होगा। इसी तरीके से जीटी इंटरेक्शन क्या होगा? या तो वो टेंसर होगा या एक्सियल वेक्टर होगा, ठीक है ना। और जब वैज्ञानिकों ने इसका प्रैक्टिकली आगे काम करा तो मैं इस चीज़ को एक बार बोर्ड पे लिख देता हूँ कि क्या क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। तो जिससे हमें ध्यान रहेगा कि भाई सारी की सारी चीज़ें कौन सी किसमें कन्वर्ट हो रही है, ठीक है ना। तो हमारे पास पहला स्केलर कन्वर्ट हुआ फर्मी में, वेक्टर हुआ फर्मी में, और जो हमारे पास टेंसर हुआ वो गया हमारा जीटी इंटरेक्शन में, और इसी तरीके से जो एक्सियल वेक्टर था वो भी जीटी में कन्वर्ट हो गया। इन सब पॉइंटों को अभी ध्यान रखना है कि जो कंपटीशन होता है तो वहाँ ऐसे छोटे छोटे सवाल कंपटीशन के अंदर, और स्पेशली आप किसी बड़ी इंस्टीट्यूट के वाइवा में जाएंगे तो वहाँ पे इस तरीके के सवालों को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई स्केलर फर्मी में किस किस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो हमारा जो बेसिकली आया, ठीक है ना, तो ये जो बीटा डीके हुआ इन चार के सम के बराबर हुआ, चार कन्वर्ट हो गए दो के अंदर, ठीक है ना, एक फर्मी के अंदर और एक किसमें हो गया? जीटी इंटरेक्शन में। अब प्रैक्टिकली जब वैज्ञानिकों ने आगे और इसमें मेजर करा तो स्केलर और टेंसर पोर्शन नेग्लिजिबली पाए गए, ठीक है ना। स्केलर और वेक्टर जो टेंसर था ये नेग्लिजिबली पाए गए, ठीक है ना। तो फर्मी में जो कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम था वो वेक्टर का था, और जीटी इंटरेक्शन में मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन था वो एक्सियल वेक्टर का था, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम स्केलर एंड टेंसर इज नेग्लिजिबल, एनहेंस वी आर रिमेन विथ ओनली टू कंपोनेंट एंड दैट इज वेक्टर एंड एक्चुअल वेक्टर, ठीक है ना। तो अब हम कह सकते हैं कि बीटा डीके में केवल दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक तो वेक्टर कंपोनेंट होता है और एक एक्चुअल वेक्टर होता है, इसलिए बीटा डीके को कहा जाता है कि ये ए ए मीन्स एक्चुअल वेक्टर और वी मतलब वेक्टर।
ठीक है ना, ये इंटरेक्शन कहा जाता है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने को सारी सारी चीज़ें आनी चाहिए। ये लैंडमार्क डिसीजन था, ठीक है ना। तो अब हम जो काम में ले सकते हैं वो लिख सकते हैं कि जो एच बीटा है वो एक तो वेक्टर टर्म रह गया, तो मेरे पास सी वी वाला रह गया, ठीक है ना, और एक मेरे पास रह गया प्लस सी एक्चुअल वेक्टर। और इसको इक्वेशन नंबर 7 कर देते हैं, और ये हमारा नेट रिजल्ट है कि ए वी इंटरेक्शन बीटा डीके हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम शो कर सकते हैं कि जो हमारा बीटा डीके है वो ए वी इंटरेक्शन वेक्टर एंड एक्चुअल वेक्टर इंटरेक्शन होता है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट राउंड पे हम पेरिटी वायलेशन, जो इसका लास्ट टॉपिक रहा है, उसको हम करेंगे।